praise the name of the lord hallelujah thank you jesus hallelujah 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 धन्यवाद धन्यवाद है कल तो है अपनी कल ले मेरे वा सते मदद සැහුනෙවේ චොයාපේ සම්බාලයේ මැනු සදා සැහුනවේ චොයාපෙ සම්බාලයේ මැනු සද

खुद इज्जत मेरी यकूब दा खुद दुखा दे बेले मेरी यो वाह Sune duh. Yahová, Yahova Hallelujah. Father, we magnify your name. For you have given us your name that we might be known by your name. Hallelujah. You bestowed upon us your name. Jesus said, Father, I have declared your name unto them that as I am in you and you in me, so that they might be one with us. Lord, thank you that there is power in your name. Thank you, Lord, <coughs> your name is. The pavilion of a soul. Your name is the refuge to a heart. Lord, your name is the beacon of light in this dark and turbulent world. Lord, thank you that your name hides us, secures us firmly. Your name, Lord, protects us from the accusing spirit of the devil. When Hasatan accuses us, your name defends us.

उस बुश में थी बर्निंग बुश में और परमेश्वर की उपस्थिति से वो पहाड़ परमेश्वर की पवित्रताई से भर गया एंड गॉड सेड टेक ऑफ योर शूज मोजेज अपने जूते उतार मोजेज परमेश्वर की हजूरी ने उस पहाड़ की भूमि को सोक कर लिया था तो परमेश्वर यह चाहता था कि वो मोजेज उस जूती को उतार के अपने पाँव से स्पर्श करे उस होली लैंड को आपको मालूम भाई और बहनों होली लैंड वो है जहां पे होली वन ऑफ इजराइल आता है होली लैंड कोई सिंबल नहीं है कोई रिचुअल uh, या ट्रेडिशनल स्पॉट नहीं है होली लैंड तब बनती है जब होली वन ऑफ नेम इज यह हुआ जब उसकी हजूरी आती है हाल लु या गॉड वॉन्टेड मोजेस टू रियली टच द होलीनेस ऑफ गॉड हाले लु या आपको मालूम अपनी होलीनेस में परमेश्वर हमें बाय इनविटेशन आने देता है हाल लु या और परमेश्वर की होलीनेस की डिग्रीज हैं वी विल कंटिन्यू टू स्केल यू नो मिरियड फासनेटिंग डिग्रीज ऑफ गॉड्स होलीनेस वेन वी हैव बीन इन हैवन फॉर आ बिलियन ईयर्स वी विल स्टिल कंटिन्यू टू नो हेम एंड कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस इज होलीनेस इतना महान है परमेश्वर तो परमेश्वर से बातें करता है मोजेज और परमेश्वर मोजेज़ को बताता है कि मेरे लोगों को छुड़ा फिराउन की ग़ुलामी से एंड लीड माई पीपल टू द प्लेस एंड आई विल टेक दैम टू दैंड दैट आई प्रोमिसड टू देअर फोर फादर मैंने उनके पुरखों से वादा किया था जेनेसिस चैप्टर नंबर फिफ्टीन में और प्रभु ने यह कहा था अमालेखियों के पाप का घड़ा भरा नहीं इसलिए तेरी चार जनरेशन दुख उठाएंगी <coughs> प्राय देश में जाके सर्विट्यूड गुलाबी में रहेगी और मोजेज चौथी पीढ़ी है हालेलुया याकूब यकूब से <coughs> अगर आप मोजेज को काउंट करोगे मोजेज का फादर एमराम और एमराम कोहात से कोरा से हाथ से और कोहा यकूब से तो चार जनरेशन के बाद परमेश्वर अपना प्रॉमिस पूरा करता है तो परमेश्वर से मोजेस पूछता है व्हाट इज योर नेम हाल तो अब सुनिए ध्यान से इलोहीम जो है एक टाइटल है इलोहीम इलोहीम टाइटल परमेश्वर के लिए भी यूज किया गया है इलोहीम जो टाइटल है ये किसी भी किस्म की स्पिरिट एंटिटी के लिए एलोहीम जो स्पिरिट की दुनिया में रहने वाले हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है तो मोजेज पूछता है टेल मी व्हाट विल आई टेल फेरो मैं फेराउन से क्या कहूंगा किस एलोहीम ने मुझे भेजा है <coughs> कौन से एलोहीम ने मुझे भेजा है तो परमेश्वर आपको मालूम मोजे से क्या कहता है उसका नाम पूछता है वट इज योर नेम तो यहोवा परमेश्वर मोजेज को पवित्र आग में से कहता है हाइया अशर हाइया, हालेलुया अलेफ आलेफ हे युद हे शिन युद आलेफ हे युद हे हाइया अशर हाइया, हाइया अशर हाइया, आहिया, आहिया।, आहिया अशर आहिया ये कहता है परमेश्वर मैं जो हूँ हूँ मेरा नाम है मैं जो हूँ हूँ मेरा नाम है मैं जो थो हूँ थो हूँ मेरा नाम है भाई और बहनों आहिया अशर आहिया या हाइया अशर हाइया हालेलुया हिब्रू में परमेश्वर ने मोजे से कहा आलेफ हे योद हे हाइया अशेर शिन योड रेश अशेर हाइया अलेफ हे योद हे हाइया अशेर हाइया हाइया अशेर मेरे संग बोले हाइया आहिया आशर आइया हा आइया आहिया आहिया आशर आहिया आहिया आशर आहिया परमेश्वर मोजेस को कहता है गो एंड टेल फेरो आहिया है सेंट यू जा फिर आउन से क्या आहिया ने तुझे भेजा है हाल वो जो है जो था जो आने वाला है वो जो है द सेल्फ एग्जिस्टेंट वन ही ड्वेल्स इन हिम सेल्फ हाल अनादि काल में जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं बनाया था ऑब्वियसली बाइबल में लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड देवन इन दर्थ बारा एलोहिम एथ हशमाइम वाह आट्स परमेश्वर ने इन द बिगिनिंग बनाया लेकिन परमेश्वर तो बिगिनिंग से भी पहले है तो जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया था स्वर्गों को और पृथ्वी को नहीं बनाया था तब परमेश्वर कहाँ रहता था परमेश्वर अपने वजूद में सेल्फ एग्जिस्टेंट है उसके लिए निवास स्थान नहीं चाहिए वो स्वयं निवास स्थान है इसीलिए हम भजन लिखने वाले क्या कहते हैं कहते हैं हे युहोवा तू हमारा परम धाम है हे युहोवा तू हमारा शरण स्थान है हे यहोवा तू हमारा निवास स्थान है यहोवा परमेश्वर हाइया अशर हाइया हाइया अशर हाइया आइया अशर हाइया वो हमारी ड्वेलिंग प्लेस है हाल वो हमारा शरण स्थान है वो हमारी जान का किला है हाल उस महान परमेश्वर की शरण में आप आए हैं इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम सात अध्याय के 56 वर्स वर्ष में 55 में 56 को पढ़िएगा वहां लिखा है सुलेमान ने यहोवा परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाया <coughs> तो भी एलियोन महान परमेश्वर इंसान के हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता हाल ही इज अवर ड्वेलिंग प्लेस इन हिम वी ड्वेल इटर्नली तो परमेश्वर अब मैं अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ बहुत से लोग ये शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा लेना चाहिए और वो ये सिखाते हैं जिसे हम मॉडलिज्म कहते हैं कि पिता भी वही है पुत्र भी वही है पवित्र आत्मा भी वही है वही पिता है वही पुत्र है वही पवित्र आत्मा है मॉडलिज्म की थ्योरी और फिर वो एक्सप्लेन करते हैं जैसे मान लो मैं मेरा नाम विनोद है मैं अपनी पत्नी के लिए उसका पति हूँ मेरे तीन बेटे उनके लिए मैं पिता हूँ और मेरी माता है उसके लिए मैं बेटा हूं ऐसे वो एक्सप्लेन करती है मॉडलिज्म है ये कि विनोद एक ही है लेकिन वो पति भी है वो पिता भी है और वो पुत्र भी है दिस इज दिस इज एब्सोल्यूटली एब्सर्ड दिस इज एब्सोल्यूटली लॉजिकलेस थी तो मैं ये सवाल पूछता हूँ यदि पिता भी वही पुत्र भी वही पुत्र आत्मा भी वही तो बाइबल में ही लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने याहुआ ने याहुआ ने हमें अनंत काल से प्यार किया यहोवा अनंत काल से प्यार करता है <coughs> तो जब यहोवा परमेश्वर ने आकाश भी नहीं सृजा है पृथ्वी भी नहीं बनाई है स्वर्गदूत भी नहीं बनाए हैं मनुष्य को भी नहीं बनाया है तब यहोवा किससे प्यार करता था क्योंकि परमेश्वर का प्यार तो इटर्नल है जैसे परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्टेंट वन है जैसे परमेश्वर अनादि है वैसे उसका प्यार अनादि है तो अनादि काल में ये होगा किसे प्यार करता था बताइए अनादि काल में पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों संगति करते थे तीनों प्रेम करते थे हाल लुया हालेलुया इसीलिए उसका प्रेम इटरनल लव है तो ये मॉडलिज्म की जो थ्योरी है जो वन पेंटिकॉस्टल चर्च वाले जिसे विलियम मैरन ब्रैनम ने ज्यादा स्पॉन्सर किया बाद में ये डॉक्ट्रिन लॉजिकल नहीं है क्यों क्योंकि नए पुराने नियम में पुराने नियम के अंदर सुनिए ध्यान से पुराने नियम में दो यहोवा हैं एक यहोवा पिता है दूसरा यहोवा पुत्र है हिब्रू ग्रामर को अगर आप थरली अध्ययन करेंगे हिब्रू ग्रामर दो को दिखा रही है बाइनरी प्रिंसिपल है और नए नियम की न्यू टेस्टामेंट की ग्रामर में तीन डिस्टिंक्ट पर्सनल प्रोनाउन यूज किए गए हैं थ्री सेपरेट पर्सनल प्रोनाउन्स से हैं तीनों पर्सन के लिए और तीनों डिस्टिंक्ट दिखते हैं जब पुत्र बपतिस्मा ले रहा है देह में तो पवित्र आत्मा उतर रहा है उसके ऊपर लाइक डाव होली स्पिरिट इज डिस्टिंक्ट ही इज कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन और हेवन से पिता टेस्ट में दे रहा है ही इज माई बिलव सन हां लु तो ये बहुत गुफी डॉक्टर लोगों ने बनाई हैं इन लोगों ने वनस होली पेंट, वनस पेंटिकॉसल की जो डॉक्टरिन है इट इट केम एज अ डिफें डिफेंस टू दी रोमन कैथोलिसिज्म वो मानते हैं कि ट्रिनिटी रोमन कैथोलिसिज्म की देन है रोमन कैथोलिक चर्च जिसके अंदर पेगनिज़्म है हर तरह की पेगन टीचिंग्स हैं अंधकार की शिक्षाएं हैं उसकी वजह से ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में आया लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पुराने नियम में यह बाइनरी है हाल <coughs> पिता यह और पुत्र ये बेशक आपको ट्रिनिटी वर्ड नहीं मिलता है लेकिन आप स्टडी करें अध्ययन करें गहरा हाँ ले तो प्रभु क्या कहता है प्रभु क्या कहता है गो एंड टेल हाइया हैज मी हाइया हैज मी हिस नेम इज हाइया हाइया से जो पर्शियन और अरबिक और उर्दू वर्ड निकलता है हयात हयात का मतलब होता है जीवन अनंत जीवन हालेलुया धन्यवाद हो हालेलुया एक्सक्यूज मी तो आइए हम प्रार्थना करें हुँ. मेरे संग संग इन्वोक करें हम हमें चांटिंग नहीं करना है इनकांटेशन नहीं करना है हमें प्रभु का नाम बोलना है बारंबार हाल तो मेरे संग बोले हाइया आशेर हाइया हाइया आशेर हाइया हाइया अशेर 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 हाइया हा ले जो एल की परस्तिश करते हैं हाईली एग्जोल्टेड वन की <coughs> हा वो यहोवा के सन्मुखी या याहुआ परमेश्वर के आगे क्या कहते हैं खुदुश 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 हशम ऐ नायुआ सपायो हशम ऐडोनाय मैंने ऐड किए हैं संग में हशम का मतलब होता है नाम पवित्र नाम एडोनाई स्वामी हाल आइए मेरे संग उच्चारण करें खुदोश खुदोष खुदोष हशम याहुआ सबायो खुदोश खुदोश कुदोश हशम या हुआ सबायो कुदोश खुदोष खुदोष

השם יהוה סבאיו קדוש <עש> קדוש <עש> קדוש השם יהוה סבאיו קדוש 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 השם יהוה סבאיו קדוש 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 השם יהוה סבאיו Kudush, kudush, kudush. Hashem Yahuwah Sabayo. Hallelujah. Hallelujah. Hiya, Asher, hiya. Hiya, Asher, hiya. Hiya, Asher, hiya. Hiya,

Aia, asher, aia, elohika. <coughs> aia, asher, aia. Avinu, malachinu. Aia, asher, aia. Abun, duashmayo. Abun, duashmayo. Aia, asher, aia. Aia, asher, aia. Yahuwah, Sabayo Yahuwah, sabayu. Eleleon. al-shaddai <clears throat> yahweh rafa healer 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 yahweh Rapha. you said i am the lord thy god that healed thee i am the lord that healed thee i am the lord your name is Yahuwah. Hashem Yahuwah Hashem Yahuwah Rafa Hashem Yahuwah Rafa Hila Hila You make whole You make perfect You make complete nothing lacking Nothing missing nothing broken. Absolutely nothing lacking, nothing broken, nothing missing. Nothing lacking, nothing broken, nothing missing. You make my life that, Lord. Thank you, thank you, thank you. Yahuwah <clears throat> Rafa, stretch forth your wings over the sick people. Those who are sick listening to me right now, may you cover them under your healing wings. Yahusha HaMashiach, you are. The Son of Righteousness, there is healing in your wings. <clears throat> healing in your wings. There is healing in your wings. Arise, Son of Righteousness. Arise over your people. Heal their sick bodies. Heal, heal, heal sick bodies. <clears throat> every illness, every infirmity, go in the name of Yahusha HaMashiach. Let your people come under. The wings of the morning, under the wings of the Son of Righteousness, under the wings of Yahusha Hamashiach. Lord stretch forth your wings over your people. I pray, Father, for those who are sick, I pray for those who are ailing. I pray for those who are not feeling well in their bodies. Stretch forth your wings, let healing flow, <clears throat> let healing flow. <clears throat> hmm. Healing flow lord. चंगाई का आत्मा बहे तेरे लोग अपने आंखें बंद करें अपने हाथ उठाएं लेट द लॉर्ड मेक यू वेल लेट द मेक लेट द लॉर्ड मेक यू होल हाली द मेक लेट द लॉर्ड मेक यू होल हाली लेट द लॉर्ड लेट द लॉर्ड लॉर्ड लेट द लोड नेम इज यह राफा यहू राफा यहू राफा यहू राफा यहू राफा हशम यहो अ राफा हशम यहो अरा फफा हशम यहो अरा फफा हशम यहो अरा फफा हशम यहो अरा फफा हशेम यहो अरा फो ही फ्लो हो लठियो ही लिंग फ्लो हो वो योर पीपल खुदावंद अपने पंख फैला अपने लोगों को छू <स्थाँग> मैं तेरे खून के साय के नीचे लाता हूँ इन लोगों को जसवीर सिंह सुरिंदर एंजला ड्रोच सुनीता कौर को मलकियत गिल इनके परिवारों को अन, अनीता रानी को साहिल को इनके ख़ानदान को ज्योति गचली को सारा सारा को सुनीता गुरिया कंसवर को जसवंत सिंह को मंजीत मसीह को अमरजीत कौर को इनके घराने को खुदाबंदी लोहिया समीना अशरफ इनके घराने को मंगल मसीह थापा को इनके खानदान को जेकब खोखर भाई को उनके खानदान को प्रभ बाजवा को उनके खानदान को अमित सैम को <clears throat> मिली सैगल को मनीषा सिंगी को गीता को खुदावंद हाल लॉर्ड आई ब्रिंग अंडर द ब्लड साइमन मसीह को लॉर्ड पासर रजिंदर कुमार जॉन को आई ब्रिंग अंडर ब्लड अ खून के नीचे लाता हूँ खून के नीचे आई ब्रिंग सारा सारा अंडर द ब्लड आई ब्रिंग ललित मेहरा अंडर द ब्लड लॉर्ड आई ब्रिंग योर पीपल अंडर द ब्लड आई ब्रिंग ललित रतन प्रकाश फैमिली अंडर द ब्लड लॉर्ड आई ब्रिंग महेश कुमार अंडर द ब्लड आई ब्रिंग मिस्टर कक्कड़ एंड इज हाउस होल्ड अंडर द ब्लड मोनिका सबरवाल एंड अस्ान अंडर द ब्लड लॉर्ड आई ब्रिंग पूजा बेस्ट एंड पूजा पूजा बैंस अंडर द ब्लड लॉर्ड गॉड आई ब्रिंग कुंदन शाह अंडर द ब्लड आई ब्रिंग रमन खान एंड रीना खान अंडर द ब्लड एंड देयर हाउस होल्ड अंडर द ब्लड लॉर्ड जीसस, हालेलुया, लू सिल्वर राज को खुदावंत तेरे खून के नीचे लाता हूँ मिस्टर एमिया को एमिया खुदावंत जिनसे मुलाकात होगी उन्हें तेरे ब्लड के नीचे लाता हूँ खुदावन हाली दिल्ली में और नए नए लोगों को लोड लोड फैमिली को थूरिया को रिंकल कथूरिया को के खानदानों को तेरे ब्लड के नीचे लाता हूँ खुदावन हाली खुदावन मैं मिस्टर सहोता को तेरे खून के साय के नीचे लाता हूँ इमेन सोता उनके बच्चों को बीवी को तेरे खून के साय के नीचे लाता हूँ थैंक यू लॉर्ड मैं तेरे ब्लड को स्प्रिंकल करता हूँ तेरा याजक होने के नाते लॉर्ड आई स्प्रिंकल द ब्लड ओवर रवि प्रकाश गुप्ता ओवर इज वाइफ ओवर दिल्ड्रन ओवर दाउस होल्ड ओवर दबड वन डो नाट यट नो यू स्प्रिंकल द ब्लड खुदावंद मैं अरोड़ा के लिए मिस्टर अरोड़ा जो कौमा में है उनको तेरे हजूर में लाता हूँ खुदावंद छू उस बंदे को एक मुओज़ा कर खुदावंद एक अद्भुत काम कर ताकि अरोड़ा परिवारों में तेरे नाम की गवाही फैले खुदावंद खुदा मैं मिस्टर गुलाटी को स्मरण करता हूँ तेरे लहू के साई के नीचे लाता हूँ मिस्टर गुलाटी को उसकी बीवी उनके खानदान को खुदावंद हाली लुिया खुदावंद मैं गीता को और गीता के पति प्रहलाद को तेरे खून के साई के नीचे लाता हूँ हाली तेरा धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम में मनीष और उसके परिवार को भी तेरे लहू के साय के नीचे लाता हूं खुदा मैं जसवीर कौर के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरा हाथ हो उसके ऊपर खुदावन तेरे लहू को उस पर छिड़कता हूँ तेरे हीलिंग विंग्स mm. <Bellions> के नीचे जसवीर कौर को, को लाता हूँ कुलमिंदर कौर को लाता हूँ तेरे हीलिंग विंग्स के नीचे खुदावन खुदावन मैं बलबीर सिंह जो ढिल्लन है जॉन ढिल्लन उन्हें तेरे लहू के साहे के नीचे लाता हूँ प्रकाश मांगट ये सब लोग ब्रिटेन से हैं इन सबको तेरे लहू के साहे के नीचे लाता हूँ खुदावन मैं स्टीफन के लिए उनके बेटे के लिए एरन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन तू तो अपना हाथ बढ़ा के एरन को छू खुदावन तेरे जलाली खून के साय के नीचे लाता हूँ एरन को रूबी संगेरा के ख़ानदान को उनकी बहन को जो पंजाब में तेरे लहू के साय के नीचे लाता हूँ खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ मीना कुमारी के लिए उनके पति सुरेश के लिए <rhythm Congrats> तेरा खून उनके ऊपर छिड़कता हूँ खुदावंद मैं सुनीता कौर और उनकी बेटियों के ख़ानदानों पे तेरा खून छिड़कता हूँ हाली अनीता अनिता रानी को अपने ब्लड में छिपा खुदावन मीनू सूद को मीनू सूद के हस्बैंड को तेरे ब्लड के सहाय के नीचे लाता हूँ खुदावन हाली तेरा धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद हम तेरे हजूर में ठहरे रहे हैं आज उपवास के दिन खुदावंद एक बड़ी ब्रेक थ्रू लोगों के जीवन में आए खुदावंद इनके स्पिरिचुअल लाइफ में ब्रेक थ्रू आया इनकी खुदावंद फिजिकल लाइफ में हीलिंग वेलनेस

यीशु के नाम में अमित सैम के पिता के लिए इनकी माता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ इसकी बीवी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ तेरे एंजल्स को तेरे लोगों के इर्द गिर्द खोलता हूँ खुदावंद लोगों का जीवन मैं आत्मा में देखता हूँ बहुत जगह चर्च ड्राई है और लोगों का आत्मिक जीवन सूखा पड़ा है खुदावंद पहली और आखिरी बारिश भी आपने कहा मैं बारिश की तरह बरसूंगा मेरा कलाम बरसेगा आप मोरे करेंगे खुदावन बारिश की तरह आएंगे आप टीचर भी हो आप बारिश भी हो भेजें पवित्र आत्मा की बेदारी कलीसियाओं में प्रेम नहीं है लोगों के अंदर प्यार नहीं है जलन से भरे हैं लोग कंपटीशन करते हैं पादरी एक दूसरे के साथ ना खुद सच्चा कलाम सुनते हैं सच्ची संगति करते हैं बहुत से पास्टर ना लोगों को करने देते <laughs> खुदावंद ऐसे गडरियों की आंखें खोल इन गडरियों को हिला तू, जिनके जीवन खाली और खोखले हो गए हैं हाले जो खुदावंद हम पास्टर कुमार दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं तेरा दास है तेरा बंदा है जिसने बड़ी लगन से तेरी सेवा की खुदावन और मैं तेरे उस दास को लगभग अठाईस उनतीस साल से जानता हूँ खुदावन कुमार दास के ऊपर अपनी आशीष खोल अपने खून का साया कर उसके ऊपर खुदावन उसे चंगा कर चंगा कर खुदावन खुदावन हम मनीष के लिए उसके बिजनेस के लिए उसकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं तू खुदावन उनके जीवन में काम कर तेरा धन्यवाद सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो अब बीज कलाम का बीजो मुझे कर दो हरा भरा मुझे कर दो हरा भरा छम छम मी बरसा छम छम मी बरसा छम छम मी बरसा छम छम मी बरसा भेजर बर का भेजबर बर का भेजबर बर का भेजबर बर का रूकी अग्नि की भट्टी में ये गाएंगे तो दिल से गाइएगा मैंने आपको बताया सराफ है ये वर्ड प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में डालेगा ये होगा और प्योरी फिकेशन के प्रोसेस में आपको आग की भट्टी के हवाले किया जाएगा इससे भागते हैं मसीह लोग आग की भट्टी में आप साफ किए जाएं ये नहीं चाहते प्रोफेस प्रोफे मांगते हैं जहां पे फेसबुक पे पोस्ट होगी ना बहुत सारे डॉलरों की ऐसे लगी होगी ढेरी लगी होगी दो तीन मिलियन डॉलर की और एक बंदा ऐसे उंगली करके कह रहा होगा मिलियंस आर कमिंग टू यू अपना नाम प्रिंट करें मिलियंस रिसीव करो तो नीचे पागलों की तरह लो, I... लोग आई रिसीव इट आई रिसीव इट पापा आई रिसीव इट पापा आई कितने मूर्ख लोग हैं ये जिन्हें परमेश्वर के राज्य का कुछ भी नहीं मालूम है ऐसे अंधकार के वो पादरी हैं जो ये काम करते हैं वैसे अंधकार की कलीसिया है जहां डॉलरों की फोटो बंगला मेंशन गाड़ियां बनी होती वहां पे देखिए कैसे लिखा होता है आई रिसीव इट आई रिसीव खाक रिसीव करेगा तू रिसीव का मतलब कबाला होता है ये रिसीव रिसीव है ना जो ये डार्क कल्ट है यहूदियों का जो बेबलोन में शुरू हुआ कबाला ये कबाला से निकाल रहे हैं टीचिंग आई रिसीव इट आई रिसीव इट कबाला का रिसीव का मतलब होता है कबाल कबाला ये कबाला एक डार्क कल्ट है जो यहूदियों ने बनाया शैतान ने दिया इनको बेबलोन की जब गुलामी में गए ये तो समझिए यहूदी कौन सी यहूदी चीज रोशनी की है कौन सी यहूदी चीज अंधेरे की है यह भी परख चाहिए आपको आजकल सभी लोग तलीथ डाल के ना अपने कंधे पे जूश सॉल्ट शॉल डाल के प्रेयर करने लग पड़ते हैं और खजूर की टहनिया पकड़ लेते हैं और पूरा दिखाने लगते हैं कि हम तो सब कुछ समझ गए अभी कुछ नहीं सीखा आपने मैंने कई लोगों को सिखाया ये अब वो शॉल डाल के खुद इंडिपेंडेंट होके कर रहे हैं बहुत मालूम कुछ भी नहीं है जड़ें कुछ भी नहीं है अध जल गरी भ, जल भरी गगरिया छलकत जाब तो पहले कुछ हासिल तो कर लो देने के लिए दूसरों को पूरी रीति से फिर बांटो ना पहले तैयारी तो कर लो तैयारी के प्रोसेस से कोई तो हम गाते हैं रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम कभी जो है ना फिर गाते हैं रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक मुझे खुदाया जैसे पिघल के साफ हो चांदी वैसा कर खुदाया आपको मालूम चांदी कैसे साफ होती है एक प्रोसेस है चांदी को अगर बिल्कुल खालिश करना है तो पहले चांदी को पिघला के साफ करो वन टाइम फिर उसे निकालो उसे जमने दो फिर उसे आग की भट्टी में डालो सेकेंड टाइम हर बार टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है चांदी को सात बार ताया जाता है आग की भट्टी में सेवन टाइम्स और मैंने इसकी रिसर्च की है मैंने बुक्स पढ़ी हैं, चांदी को ताने की प्रोसेस क्या है तो चांदी सा, सातवीं बार मैं एक बुक पढ़ रहा था कोई ऐसा बंदा मेटल मे, मेटलर्जिस्ट चांदी को शुद्ध कर रहा था सेवंथ टाइम तो उससे एक औरत पूछती है मोल्टन चांदी है बड़े एक बर्तन में तो वो बंदा दूर से झुक झुक के चांदी के बर्तन में देखता है तो औरत पूछती है आपको कैसे पता लगेगा कि अब चांदी पूरी तरह साफ़ हो गई सेवंथ टाइम सातवीं बार जब चांदी ताई जा रही है तो वो बंदा कहता है वो टेम्परेचर को धीरे धीरे कंट्रोल करता है वो कहता है मुझे तब पता लगेगा कि चांदी पूरी तरह साफ हो गई जब अल्टीमेटली चांदी में मुझे मेरी इमेज दिखाई देगी मैं चांदी के बर्तन के ऊपर ऐसे झांकूंगा और मुझे मेरा चेहरा दिखाई देगा यह प्रोसेस है यीशु मसीह हमारे अंदर झांक के देखता है कि क्या यीशु मसीह को अपना चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं या यीशु मसीह को एक वर्ल्डली कलिसिया दिखाई दे रही है संसारिक जो चाहती है कि जादूगरी हो मिरकल करे पादरी बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए तो परमेश्वर ने क्यों आदम को अदन के बाग में रखा कि मेहनत कर इधर टिल द ग्राउंड परिश्रम कर बीज उगा फसल पैदा कर ये क्यों दिया प्रिंसिपल परमेश्वर ने अगर आज आप बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल रहे हो तो आप ये से भी बड़े हो ना है ना यहोवा की विधियों के विरुद्ध हर काम शैतानी है इंडिया में कई असेंबलीस ऑफ गॉड के कई पादरियों ने बुलाया ऐसे नबियों को जिन्होंने दो चार लोगों के अकाउंट में पैसे डाले बाद में पता लगा फ्रॉड था कैसे लोगों को शैतान खींचता है मनी रिलेटेड कोई चीज होती है शैतान कैसे खींचता है तो आप कहते हो कि रू की अग्नि की भट्टी में झोंक मुझे खुदाया गाने से पहले सोच लेना सात बार आग की भट्टी में ताया जाएगा जब यीशु मसीह का चेहरा दिखाई देगा प्रेरित पलूस कहता है गलतियों की पत्री में लिखता है कलिसिया के लिए चौथे शायद 19, 19 नहीं है शायद प्रेरित पलूस कहता है शायद 19 ही है कि हे मेरे बाल को मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की पीढ़े लगी हैं जच्चा की पीढ़े मैं लेबर पेन में हूं तुम्हारे लिए किसके लिए गलतियों की गलीसा के लिए क्यों कहता ताकि मसीह की सूरत तुम्हारे में बन जाए खुदा के सच्चे खादमों को लेबर पेन लगती है ये तो पादरी साहब बहुत कहते हैं ना अगुओं के अधीन रहो लेकिन वहां आगे लिखा वो तुम्हारी जानों का लेखा देंगे और क्या लिखता है प्रेरित पुलूस कहता मैंने आंसू बहा बहा के रो रो के तुम्हारे लिए प्रार्थना की है क्या उस दर्जे की लीडरशिप है जब हम लोगों से एलिजियंस लोगों की वफ़ादारी लोगों की आज्ञा को डिमांड करते हैं तो क्या उस लेवल की उनको हम सर्विस भी दे रहे हैं कि उनकी जानों के लिए रो रो के आंसू बहा के दुआ करते हैं हुँ? या पॉल की तरह हमें लेबर पेन लगती है बच्चा की पीड़े कि उसके अंदर मसीह की शक्ल बन जाए चांदी ताई जाए मुकम्मल तौर पे शुद्ध की जाए और यीशु मसीह का चेहरा दिखाई दे हाल थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो हाली तो प्रभु से कहें जब आपने उपवास रखा है मुझे शुद्ध कर आग से भाइयों और बहनों आग एजेंट है क्लेंजिंग का आग से होगी आपकी क्लेंजिंग आपकी धुलाई हाली थैंक यू जीसस प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु आपका धन्यवाद आपकी महिमा हो प्रभु हाल लुहिया हाँ चार की उन्नीस है गलतियों चार की उन्नीस क्या लिखा है माई लिटल चिल्ड्रन मेरे hey, बच्चों मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से जच्चा की पीड़ा लगी है सो दैट क्राइस्ट ताकि मसीह की सूरत तुम्हारे में बन जाए यह है वो बंदा पलूस इसको जैसे माँ को पीड़ा लगती है ना बच्चा पैदा करने की वो लगी है कलीसिया के लिए ये वो बंदा है जिसके पास हक है कि लोग इसे पापा कहें क्योंकि ये माँ भी है आपने सुना कोई पादरी कहता हो जी मुझे मम्मी कहो गलतियों चार की उन्नीस पढ़ लो मम्मी भी कहो कह कहलवाओ ना भाई पापा तो आप बहुत कहलवाते हो यस पापा यस पापा तो मम्मी बनो क्योंकि जच्चा की पीड़ा पापा को नहीं लगती मम्मी को लगती है प्रेरित पलूस मम्मी भी है सुन रहे हो आप गलतियों चार की उन्नीस पढ़ लो पलूस को मम्मी भी कहो कोई पादरी को मम्मी भी बोलो ना जिसको पापा बोलते उसे मम्मी भी बोलो आप यीशु मसीह कहता है जमीन पे किसी को फादर नहीं कहना कहता है ना राजाओं का राजा सबसे बड़ा हुक्म किसका है यीशु मसीह का उसके हुक्म को कौन सी कमेंडमेंट ओवर रूल कर सकती है क्या पलूस कोई चीज कहेगा जो यीशु मसीह की कमेंडमेंट को ओवर राइड, ओवर राइड कर देगी कभी नहीं पलूस तो नौकर है मैं भी नौकर हम सब नौकर हैं वो मालिक है यीशु राजा यीशु राजा के मुंह से जो निकलता है वो इटरनल कलाम है वो कभी बदलता पलूस तो कई जगह कह रहा है कि मैं कह रहा हूं प्रभु नहीं कह रहा ये मेरी तरफ से मैं सजेशन दे रहा हूं भाई और बहनों पढ़ो यीशु मसीह कहता पृथ्वी पे किसी को पिता मत कहना तो मुझे बताओ उस कलाम को चेंज करने के लिए यीशु मसीह ने कहीं कहा दोबारा कि नहीं किसी को कह लेना जो बड़े खास होते हैं वो उनको कह लेना कहा कहीं कोई रेफरेंडम आया उसके खिलाफ यीशु मसीह की कमेंडमेंट के खिलाफ कहीं हाल ही लुइया पॉल दी अपोस्टल ही सच एन इनक्रेडिबल मैन ऑफ गॉड ही सेज इन गलेशियंस फोर नाइनटीन He is a man who is absolutely devout in making Christ known. He is the guy who is responsible for carrying the fragrance of the good news of the Lord Jesus Christ to the ends of the earth. In his world, the time Paul began preaching nearly 2000 years ago, nobody knew Jesus. Nobody knew Christianity. Christianity was ridiculed, people mocked. People thought the followers of Jesus were heretic. The Jews offered vehement opposition. His own people were after his life. You know, there were people who made a vow that they will kill Paul. And until they chop off his head, they won't eat food. I believe they must have died of starvation. Look at, Paul says, My life has been in peril, in great danger. I had shipwrecks. I just survived by the pure hand of God. I was, I, I, I was in the peril of death. I was in the, I, I was, uh, in the danger of sword i was among the ravenous animals in the jungles and paul was in the jail several times he was incarcerated thrown in dungeons in catacombs and he said we were just roaming around and we had no respite we had no place of shelter no place of refuge we, he, he says i wrap around you know my, my, my final garments funeral garments as i travel different places i carry death in my body look at the horrific price that paul the apostle paid and he wanted to go to rome because he wanted to cause a bigger impact with his testimony all paul wanted was to make jesus known he wanted to give his testimony in front of caesar so that the whole roman world will come to know jesus and you know what he says? he says, let nobody trouble me, for i carry the stigmas of christ in my body. look at this apostle. he planted first 42 churches of christian history. he used to debate with epicurean philosophers, stoic philosophers, with all the greek think tank. you know, greek philosophy was ruling the mind of people that time. look at, look at paul, how he was able to make jesus known explicitly. In the midst of so much cultural chaos, so much of philosophy and so much of religion and mysticism, and so much of uh, witchcraft, sorcery, cannibalism, there were so many evil and vices. You know, then the intense spiritual warfare that was waged again against the apostles, how they lived and how they survived. Just imagine the price they paid. It is so easy for us now to continue building on their foundation. It is much much easy. people know Jesus. It is easy you know for us to plant a church. there are people who sponsor support, so finances. Look at Apostle Paul. Apostle Paul just to let them know a little bit. प्रेत पलूस कहता है मुझे बच जच्चा की पीढ़ी लगी है मैं पैदा कर रहा हूँ तुम्हें माँ की तरह वो मम्मी भी है मम्मी पापा दोनों ही कहना चाहिए अगर आप पापा कहते तो मम्मी भी कहना चाहिए ना पैदा कौन करता है माँ करती है या पापा कोख में कौन रखता है तो एक खुदा का बंदे के अंदर एक कोख भी है स्पिरिचुअल एक सच्चा खुदा का बंदा एक माँ भी है हुँ? और उसे ट्रेवलिंग पेन लगती हैं कलीसियाओं के लिए हाल लुभिया खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन खुदावंद तेरे हजूर में तू हमें ठहरा के रख खुदावंद तेरे चरणों में वो प्रार्थनाएं करें खुदावंद जो प्रार्थनाएं तू चाहता है तेरे हजूर में की जाएं पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा तेरे लोगों को ब्रेक थ्रू दे तेरे लोगों को फिजिकल चंगाई दे नरोवा कर चंगा कर तेरे लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू हो ये प्रार्थना करने पाएँ वचन मनन करने पाएँ प्रभु जी स्पिरिचुअल बातों में इनका मन लगे इनका हृदय तेरी और मुड़े खुदावंद ये मैं प्रार्थना करता हूँ और खुदावंद तो हमें तेरे वचन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रूहें तेरे लिए जीतने के लिए खुदावंद मैं अपने आप को तेरे चरणों में रखता हूँ अपने घराने खानदान को तेरे लहू के सहाय के नीचे लाता हूँ खुदावंद हाल तेरा नाम ऊंचा हो एक एक जन पे तेरी बरकत को खुदावन, यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन आमीन हाल मैं टू ओ फिर आपके संग हाजिर हो जाऊंगा, दो बजे एग्जैक्ट अभी मैं थोड़ा किसी पास्टर जी के काम के लिए चला गया तो मैं थोड़ा सा उधर ऑक्यूपाइड हो गया और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए फ़ोन थोड़ा अवेलेबल नहीं था तो क्षमा कीजिएगा टू ओ क्लॉक आई विल बी बैक दो बजे फिर मिलते हैं प्रार्थना में प्रभु आपको आशीष दे जय मति की आज अमरजीत कौर जी ने बड़ी अद्भुत बात बताई तीस इकतीस साल पहले इन्होंने दिल्ली के आर के पुरम में एक मीटिंग देखी थी जिसमें मैं प्रचार कर रहा था और इन्होंने बताया कि मेरे बहुत लंबे करली बाल होते थे एंड बता रहे थे उस मीटिंग के विषय में ये बता रहे थे ये उस ग्राउंड में बैठे थे इन्होंने देखा कि लोग लोगों के अंदर कैसे पवित्र आत्मा काम कर रहा था आज से थर्टी वन ईयर्स पहले इन्होंने मुझे टेस्ट मनी लिख के भेजिए हाली लुया तो धन्यवाद प्रभु का इकतीस साल बत्तीस साल इकतीस साल से ऊपर हो रहे हैं प्रभु के संग संग चलते हुए प्रभु का धन्यवाद उसकी करुणा उसकी दया के लिए हालि लूया मसीह आपके नाम की महिमा हो आपकी वफादारी आपकी भलाई के लिए जो आपने मेरे ऊपर की खुदावन कुछ भी जो मुझे आपने दिया मैंने डिजर्व नहीं किया कुछ भी रत्ती भर के भी मैं लायक नहीं था खुदावन आपने अपना हाथ बढ़ा के मेरे ऊपर रखा और आपने अपने चरणों में मुझे बैठने के लिए जगह दी खुदावन आपने मेरे हृदय को छुआ मुझे और मेरे घराने को अपने लहू की आगोश में रखा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में हाल जय मसीह की भाई और बहनों मुझे इकतीस बत्तीस साल से बत्तीस में दे रहा हूं और शायद लाख लाख के करीब पहुंच गए हैं तो मैं ये अपने एकोलेड अपनी अचीवमेंट का कभी बखान नहीं करता मैं लोगों को बताता नहीं क्योंकि इसके इर्द गिर्द हमें अपनी सेवकाई खड़ी नहीं करनी है और प्रभु मुझे सारे कॉन्टिनेंट में लेके गया सौ से ज्यादा कंट्रीज में अपना वचन फैलाने के लिए पर इन सब के लिए मैं ये कहता हूँ प्रभु मैं इनमें से किसी के लायक नहीं था आपने मेरे ऊपर करुणा की है आपका धन्यवाद हजारों लोग भाई और बहनों हजारों लोग सेवक निकला मेरी सेवकाई से सैकड़ों में नहीं हजारों में है जो सेवा कर रहे हैं प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के नाम की महिमा हो यीशु मसीह हम तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में आमे दो बजे प्रार्थना करेंगे जय मसीह की